एक रात एक घर में चोर घुस आया। पति पत्नी ने मिलकर उस चोर को पकड़ लिया। पत्नी जो बहुत ही भारी भरकम थी, चोर को नीचे पटक कर उसके ऊपर बैठ गई और पति से बोली, आप जाइए और पुलिस को बुला लाइए, तब तक मैं इसे उठने नहीं दूंगी। यह सुनकर पति यहाँ वहाँ देखने लगा। पत्नी खींच कर बोली, इधर उधर क्या देख रहे हो, जाते क्यों नहीं? पति, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। पत्नी के नीचे दबा हुआ चोर कराते हुए बोला, भाई मेरी चप्पल पहन जा, पर जरा जल्दी कर। गर्लफ्रेंड का अपने बॉयफ्रेंड को आखिरी मैसेज, बारात आ गई है, बाराती जश्न में नोट उड़ा रहे हैं, तूने मुझ पर जितने खर्च करे ये थे तू आकर लूट ले। बॉयफ्रेंड भी बहुत कमीना था, उसने भी रिप्लाई किया, जो मैंने लूट लिया वो बारातियों के नसीब में कहाँ। सुहाग रात को पत्नी बोली, कितना करोगे, रात के 1 बज गए, थके नहीं क्या? पति बोला, अभी तो मैं और करूँगा, क्योंकि अभी तक 500 मैसेज और बाकी हैं और कल को मेरा रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा। लड़का, यार मुझे उस लड़की से बचाओ। दोस्त, क्यों? लड़का, जब से मैंने कह दिया है दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, ये बावली चाकू लेकर पीछे ही पड़ गई है। सुबह सुबह एक लड़का लड़की का हाथ चूमते हुए, आई लव यू जानू। लड़की, इतनी भी क्या जल्दी थी पगले, हाथ तो धोने दिया होता, टट्टी करके आई थी। अंधा देवर, भाभी लड्डोलो, भाभी नहा रही थी यह सोचकर कि यह तो अंधा है, बिना कपड़ों के बाहर आकर बोली, भाभी यह खुशी में अंधा देवर, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, भाभी बेहोश। लड़का, भाभी आजकल आप एकदम हरे भरे बगीचे सी लगती हो। भाभी, हाँ आजकल तुम्हारे भाई भी दिन में 3 बार पानी छिड़कते हैं।